तो आज हम लोग शुरू करते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आप लोगों ने समझ लिया है कि कैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है भारत में। बेसिकली हमने बताया था कि अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिवीजन हम लोग भारत का बांटे तो दो भाग में बांटेंगे, पेनिनसुलर इंडिया और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। और अब जो है हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में भी दो भाग थे जिसमें एक हम लोगों ने हिमालयन एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर अदर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन रखे थे और दूसरे में इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का प्लेन को रखे थे और तीसरा पूरा का पूरा क्या था। तो इस तरीके से तीन स्ट्रक्चरल डिवीजन थे, दो डिवीजन थे और एक में दो भाग थे। अब हम रिलीफ पे आते हैं। रिलीफ का बेसिक मतलब क्या होता है, इसके आधार पर ही हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन बनाते हैं। तो फिजियोग्राफिक मतलब भौतिक, जो दिखे, फिजिकल से बना है भौतिक। और रिलीफ का मतलब क्या होता है, आप देखिए इस मैप में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें इंडिया रिलीफ लिखा हुआ है। तो रिलीफ का मतलब होता है कि उच्चावच, हिंदी में कहते हैं उच्च प्लस आवच, मतलब समुद्र तल से कोई स्थान क्या ऊपर है या नीचे है, कितना ऊपर है और कितना नीचे है, इसी को हम लोग रिलीफ कहते हैं। तो जब अगर हम स्थल के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली स्थल समुद्र तल से ऊंचा होता है, तो सबसे ऊंचा जो होता है उसको पहाड़ कहते हैं, उससे जो कम ऊंचा होता है वो पठार होता है, और उससे भी कम नीचा होता है जो समतल प्राय होता है वो मैदान होता है। ये तीन प्रकार के उच्चावच हम लोगों के पास मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग चले जाए समुद्र में और छोटे छोटे जो लैंड्स के आइलैंड्स, लैंड्स के जो मास होते हैं वो आइलैंड्स कहलाते हैं, ये भी होता है ना, तो इस तरीके की उच्चावच मिलते हैं। अगर भारत में हम लोग उच्चावच को देखें तो भारत में हर प्रकार के उच्चावच मिलते हैं, जैसे सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक हिमालय पर्वत मिलता है जिसमें सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है एवरेस्ट, देख रहे हैं ऊपर में, इसमें नेपाल का भी ये भाग शामिल है इसीलिए आपको इसमें कंफ्यूज ना होंगे। भारत में जो हिमालय है वो बस हिमाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड पे आके समाप्त हो जाता है, कश्मीर से उत्तराखंड के आसपास, और फिर यहाँ सिक्किम में है और सिक्किम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, बीच का जो ये पार्ट है ये नेपाल वाला पार्ट है। उसके बाद पठार भी मिलता है, जो डेक्कन का प्लेटू आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें थोड़े थोड़े पर्वत भी हैं ऊपर, जैसे विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा रेंज है, उसके बाद ईस्टर्न घाट है। सेम उसी तरीके से हमारे पास मैदान भी है। मैदान में क्या है, हमारे पास ये जो थार डेजर्ट भी है। थार डेजर्ट क्या है कि इसका इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका जो उत्तरी भाग है ये आपको इसका ओरिजिन क्या है, रिवराइन ओरिजिन का, मतलब रिवर्स के द्वारा बनाया गया है, और फिर नीचे वाला जो है वो जो है रेगिस्तानी ओरिजिन का है, बीच में गंगा का बड़ा सा मैदान है, फिर इस तरफ आएंगे तो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, दक्षिण में भी कुछ मैदाने हैं और डेल्टाओं के मैदान है, जैसे गोदावरी है बड़ी नदी है, या आप पूर्वी घाट में देखेंगे तो बहुत सारे तटीय मैदान है नदियों के कारण बने हुए, या हो सकता है समुद्र की लहरों से भी मैदान बने हो जो मैक्सिमम दक्षिण पश्चिमी और में देखते हैं। इस प्रकार से रिलीफ को हम लोग देखेंगे। अब इस मैप में आप ये भी देख सकते हैं कि हाइट्स मीटर में लिखी हुई है, जो सबसे डार्क है वह सबसे ज्यादा 1200 मीटर की ऊंचा है, फिर 600 से 1200, 300 से 600, 0 से 300, और बीच में जो रेड से जो दिखाया गया ये माउंटेन रेंजेस है, मतलब माउंटेन रेंजेस उससे भी ऊपर होंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि भारत को इसी तरीके से, इसमें भी आप कलर्स के स्कीम में देख सकते हैं कि जो ऊपर में है वो डार्क ब्राउन सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि ऊंचा है, फिर सबसे ज्यादा नीचा जो है वो ग्रीन में आपको मैदान दिख रहा है, और बीच में ये भूरा और पीले कलर की चीजें हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि भारत के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन को अगर हम बांटेंगे तो आप लोग बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से ही कि फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं, या पांच भागों में बांट सकते हैं, या छह भागों में बांट सकते हैं, ये डिफरेंट जगहों पर होता है। मैक्सिमम दो जो है वो चलता है, पहला चलता है कि चार मुख्य भाग हैं, जिसमें चार मुख्य भाग में है, पहला द हिमालयन माउंटेन, दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेटू, और चौथा है द आइलैंड एंड कोस्टल प्लेन्स। अब इसमें करते क्या है कि द इंडियन डेजर्ट को हम लोग मान लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और आइलैंड्स को साथ मिला देते हैं कोस्टल प्लेन्स के साथ,
पर अगर हर डिवीजन को हम लोग अलग अलग करके पढ़े तो हमको मैक्सिमम 6 डिवीजन मिलेंगे। कुछ किताबों में ये 6 डिवीजन आपको मिल भी जाएंगे, और नई वाली NCERT भी अब ये 6 डिवीजन को ही दिखती है, मानती है। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में भी ये क्लियर है कि हम लोगों को 6 डिवीजन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आप चाहें तो 4 डिवीजन भी लिख सकते हैं और चाहें तो 6 डिवीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं कि अगर इस तरीके से कह दिए तो ये रिलीज फीचर्स जो है इसको देखने के बाद सारे रिलीज फीचर्स जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हिमालय उत्तर में है, मैदान बीच में है, ये इसमें क्या फर्क पड़ेगा हम लोगों के ग्रेजुएशन और सेकेंड ईयर में पढ़ने में। तो जैसा हमने बताया था कि आप लोग रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो रीजनल ज्योग्राफी की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो रीजनल ज्योग्राफी रीजन वाइज चीजें देखता है। तो आपने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे ही हम लोग बहुत हद तक इस चीज को बता सकते हैं कि क्या है या नहीं है। अब सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि ये चीजें बनी कैसे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे कि इन चीजों में कैसे है। तो जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि दो प्लेटें जब टकराई तो सबसे पहले इंडियन यूरोपियन प्लेट जो थी वो टकराई और उससे हिमालय का निर्माण हुआ, या जिसको गोंडवाना लैंड नीचे था और ऊपर अंगारा लैंड था, वो दोनों आपस में टकराई और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। फिर हिमालय के बगल में जो टेथिस सी का बचा हुआ भाग था उसमें हिमालय से जो चट्टानों ने अवसादी चीजें लाई उसके कारण क्या हुआ कि वहां मैदान का निर्माण हुआ। फिर हम लोग बात करते हैं कि मैदान के निर्माण होने के बाद कि नीचे वाला जो हमारा भाग है ये सबसे पुराना था, गोंडवाना लैंड का भाग था जो डेक्कन का प्लेटो था और नीचे की चीजें हमने कहा था ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर याद होगा तो सब याद होगा आपको। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सोचिए यहाँ पे उस समय की चट्टाने मिलती है जब पृथ्वी बनी हुई थी, जिस समय पृथ्वी बनी थी उतनी पुराने आर्कियन क्रम की चट्टाने मिलती हैं, पुराना रॉक्स मिलती हैं, तटीय मैदान उसी तरीके से उनके अभ्रंश और वहां पे जो अवसाद हुए उनसे बना। अब क्या करेंगे, इस तरीके से जब हम लोग देखेंगे तो आपको जब फिजिकल डिवीजन लिखना हो तो आप नोट कर ले कि आपको 4 चीजें हमेशा लिखनी है। पहला, नोट कर रहे हैं, कोई रिप्लाई कर दे? पहला आप लिखेंगे जब भी फिजियोग्राफिक डिवीजन हम लोग लिखेंगे या रिलीफ पूछा जाएगा, रिलीफ लिखेंगे तो पहला लिखेंगे इसमें उसकी लोकेशन अवस्थिति वो कहाँ है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप उसमें उसका लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल डिविजन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल ज्योग्राफी बेसिकली पढ़ रहे हैं तो हिमालय को कितने भागों में बांटा सकता जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी और लैटिट्यूडनल भी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया कि अक्षांश के अनुसार, और लैटिट्यूडनल देशांतर के, जैसे मान लीजिए या ट्रांसवर्सली कहते हैं इसको कि हम लोग हिमालय को बांटना हो, दो तरीके से बांट सकते हैं हम लोग। एक तरीके से कैसे बांटेंगे कि हम कहेंगे कि ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है और फिर शिवालिक है, और दूसरे तरीके से हम लोग बोलेंगे कि कश्मीर हिमालय है, उसके बाद ये क्या कहते हैं हिमाचल हिमालय है, फिर उत्तराखंड हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, फिर गढ़वाल हिमालय है, फिर सिक्किम हिमालय है, फिर अरुणाचल हिमालय है। इस दो तरीके से, एक को ओरिजिनल कह सकते हैं लाख वाले को, और जो पहला वाला था वो लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक ना। तो इस तरीके से बांट सकते हैं हिमालय को, सेम गंगा के मैदान को। पहला आप लिखेंगे कि उसकी अवस्थिति क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी बेसिक चीजें कितने किलोमीटर लंबी है। दूसरा लिखेंगे उसका डिविजन्स क्या है, कैसा डिविजन है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ओरिजिनल डिविजन दोनों आप लिखेंगे किसी भी रिलीफ फीचर्स का। उसके बाद जब तीसरा लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि उसकी क्या, हाँ तीसरा लिखेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और चौथा लिखेंगे कि उसकी क्या खास चीजें हैं जो कि प्रभाव डालती हैं इंडिया पे या हमारे जनजीवन पे, यो इन्फ्लुएंस कैसी करती है। इन 4 चीजों के साथ हम लोग हमेशा बात करेंगे, पहला चीज लोकेशन, दूसरा चीज डिवीजन, तीसरा चीज ओरिजिन, और चौथा चीज इन्फ्लुएंस। याद हो जाना चाहिए इसको आपको, लोकेशन 1, डिवीजन
दो टू, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी ओरिजिन, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फ्लुएंस, जिसको इन्फ्लुएंस कहते हैं जो इन्फ्लुएंस होगा वो, जो उसके कारण से क्या फर्क पड़ रहा है हम लोगों को, क्या विशेषता है जिससे उसकी फर्क पड़ रही है हमारे जनजीवन पे, देश पे, या और फीचर्स पे, इस तरीके की चीजें। तो सर लोकेशन, हाँ बताओ, सर थर्ड क्या बोले एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ओरिजिन प्लीज। बेटा, ओरिजिन उत्पत्ति कैसे हुई। ओके सर, थैंक यू। लोकेशन पहला, डिवीजन दूसरा, उसके बाद तीसरा क्या है, ओरिजिन ओरिजिन उत्पत्ति, और चौथा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंसेस, उसकी किस विशेषता से क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ इन्फ्लुएंसेस भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। फिर से हम लोग अब लौटते हैं अपने डिविजन्स पे। तो जो डिविजन्स है हमारा, इसमें आपको आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास जो है 6 डिविजन्स में आपको दिख रहा है। पहला डिविजन हम लोग आते हैं हिमालय वाले में, ठीक है। अब हिमालय में देखिए, हिमालय के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमने कहा हिमालय की लोकेशन, तो हिमालय की लोकेशन को कैसे डील करेंगे, ये भारत के उत्तर में फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, तो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश में, ये पामीर नॉर्थ से शुरू होता है और अराकान योमा के पास जाके खत्म होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं इसका। नो सर। हाँ, उसके बाद जो है इसमें हम लोग आएंगे फिर कि ये सबसे नवीनतम और संसार के ऊंचे पर्वत श्रृंखला या वलित पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है, ठीक है, और लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। ढाल जो है मैदानी भाग की ओर अधिक है और तिब्बत की ओर स्टीप है, कम है। उत्तरी ढालों के घने जंगल हैं, ठीक है। और भारत में ये किन किन राज्यों को करता है, तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को आच्छादित करता है। अब पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे पार्ट में आते हैं जो कि बड़ा सा पार्ट होगा हमारा जियोग्राफिक रीजन का, क्योंकि तो ये रीजन्स हैं। तो अब हिमालय को हम लोग जो बांटेंगे तो दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला जो इसका डिवीजन है वो डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जिसको हम लोग कहेंगे कि पहला, इसको चार भाग में लॉन्गिट्यूडनल रूप से हिमालय को बांटते हैं। पहला ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, लिख रहे हैं यस सर। पहला ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। दूसरा हम लोग लिखेंगे इसको मिडिल हिमालय, ठीक है। सर तीसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में लिखना है ये। लॉन्गिट्यूडनल बेटा, यस सॉरी लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनली लैटिट्यूडनल डिवीजन। जो लॉन्गिट्यूडनल हमने कर दिया वो गलती से कर दिया, लैटिट्यूडनल डिवीजन नहीं है, लैटिट्यूडनल डिवीजन यस बना सर। दीजिए। पहला ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। दूसरा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय को मध्य हिमालय और कहीं कहीं निम्न हिमालय भी लिखते हैं हिंदी में, हिंदी कोई ऐसा नहीं है, लघु हिमालय भी कहीं कहीं करते हैं, तो लघु हिमालय लिख लीजिए आप, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय ये टर्म यूज होगा इंग्लिश में। और थर्ड जो है वो है शिवालिक, क्या है, शिवालिक। और फोर्थ एक पार्ट है जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस अब दूसरा इसका लिख लीजिए डिवीजन, दूसरा डिवीजन जो है वो हमारा रीजनल डिवीजन इसको कहते हैं। कौन सा डिवीजन कहते हैं, रीजनल डिवीजन। तो रीजनल डिवीजन में लिखिए, रीजनल डिवीजन सबसे पहले जब बांटा गया था तो उस समय अखंड भारत हुआ करता था, जो पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, अफगानिस्तान बांटे थे और बहुत सारे लोग बांटे थे। तो उस डिवीजन में हम लोगों के पास मिलता था, जैसे पुराने जो किताबें हैं उसमें आपको सर बुराड का डिवीजन है,
नाम लिख सकते हैं सरबुरात। सरबुरात ने इसको चार भागों में बांटा था, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लिखिए सरबुरात का डिवीजन जो है, रीजनल डिवीजन है। तो पंजाब हिमालय के बाद क्या बोले हैं? कुमायूं हिमालय, रिपीट कर दीजिए। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नहीं आ रहा है तो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं क्या? यस सर। नो सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एक पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। दिख रहा है डिवीजन था हमारा सरबुराद के अनुसार, लेकिन भारत बच गया तो बढ़िया से पता है, नहीं हुआ तो अब जो हम लोग डिवीजन्स मारते हैं वो डिवीजन इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा ही डिफरेंट होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, हम लोग अब के हिसाब से लिखना चाहें तो इसको कैसे बांटेंगे? पहला बांटेंगे कश्मीर हिमालय, दूसरा बांटते हैं हिमाचल हिमालय कंपनी, तीसरा बांटते हैं गढ़वाल हिमालय, चौथा बांटते हैं कुमाऊं हिमालय। नेपाल चूंकि भारत में तो है नहीं अब, या पहले भी नहीं था, लेकिन ब्रिटिश का चूंकि वो अधिराज्य था इसलिए वो मानते थे, अब हम लोग इसको कहेंगे हिमालय। और अरुणाचल हिमालय, पहले तीन है, चार है इसमें, कश्मीर हिमाचल गढ़वाल और कुमाऊं, इसको मिला के हम लोग कहते हैं वेस्टर्न हिमालय। और सिक्किम और अरुणाचल को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, आप लोग सुनते होंगे नाम में। अब इसका डिवीजन कैसे है तो सरबुराद वाला डिवीजन पहले देखते हैं हम लोग। तो सरबुराद का डिवीजन जो था पंजाब हिमालय को वो कहते थे सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय, सिंधु नदी जहाँ उद्गम होती है कश्मीर में वहां से, और सतलज नदी जहाँ उद्गम होती है, इन दोनों के बीच का पार्ट को वो कहा करते थे पंजाब हिमालय। दूसरा सतलज और काली नदी के बीच में, काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है,
विवाद चल रहा है आपको ध्यान होगा उसी के आसपास में, ठीक है। तो सतलज और काली नदियों के बीच जो है वो कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से नदी से लेकर दिहांग घाट जो है जहां ब्रह्मपुत्र भारत में इंटर करती है वहां तक के बीच के हिमालय को असम हिमालय उसने कहा था। आप नोट कर सकते हैं या बाद में वीडियो रिकॉर्डेड जो होगा उससे देख के नोट कर सकते हैं अगर अभी नहीं किया है तो, किसकी नदी के बीच में सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब, सतलज से काली के बीच में कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और दिहांग घाट के बीच में असम हिमालय। और अब जो हमारा रिसेंट डिविजन है रीजनल, ये हमारे राज्यों के आधार पे है, उतना साइंटिफिक नहीं है जितना कि सरगुजा का था, कश्मीर हिमालय जो कश्मीर एरिया में है। अब इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे, कश्मीर में कहेंगे और लद्दाख दो भाग हो गए है ना, अभी वाले में हम लोग इसको रखते हैं कश्मीर और लद्दाख दोनों को, हिमाचल हिमालय में जो हिमाचल प्रदेश में है, और गढ़वाल और कुमायूं हिमालय दोनों जो है ये उत्तराखंड में, जो पुराना हमारा कुमायूं हिमालय था उसमें जो गढ़वाल घाटी है जहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ ये है उसमें आपको गढ़वाल हिमालय, और कुमायूं जो नैनीताल वाला इलाका है उस भाग के इनको कुमायूं हिमालय, सिक्किम राज्य में जो पड़ेगा सिक्किम हिमालय, और जो अरुणाचल राज्य में पड़ेगा वो अरुणाचल हिमालय ये कहलाएगा। तो बेसिक जो साइंटिफिक रीजनल डिविजन है वो सरगुजा का ही है पुराना वाला, पंजाब कुमायूं नेपाल अवधि, और आप इसको भी लिख सकते हैं, और साथ साथ इसी में आप ब्रैकेट में इन पांचों को भी लिख सकते हैं कि रिसेंट में हम लोग इस तरीके से रीजनल डिविजन, ठीक है। अब इन डिविजन्स के बाद हम लोग, क्योंकि रीजनल डिविजन्स आसान है, आपको रीजनल डिविजन्स में बहुत कुछ करना नहीं है, अब हम लोग इसके लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स पे फिर से लौटते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन याद है आपको, अभी व्हाइट बोर्ड हम बंद करें, हेलो, यस सर, यस सर, ये दिखना शुरू हुआ आपको फिर से ना, यस सर। अब इसमें देखिए वन लाइन यहाँ पे है, एक काराकोरम लिखा हुआ है, दूसरा लाइन जो है उसमें लद्दाख लिखा हुआ दिख रहा है आपको, या और हम इसको बड़ा करें? यस सर, यस सर दिख रहा है बट थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा बड़ा, यस सर नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, यस सर। ऊपर लाइन देखिए, ये काराकोरम लिखा हुआ इस लाइन के पास, यस सर। दूसरा लाल लाइन है जिसके नीचे लद्दाख लिखा हुआ है, yes, sir. एक तीसरा टुकड़ा टुकड़ा लिखा हुआ है जहाँ पे जास्कर yes. लिखा हुआ है रेंज, yes, sir. फिर इधर कैलाश रेंज लिखा yes, हुआ sir. है, yes, sir. ये तीनों रेंजेस जो है इसको काराकोरम लद्दाख जास्कर इन सबको ट्रांस हिमालय कहते हैं, क्या हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, क्यों, हिमालय के पार की श्रेणी, ट्रांस का मतलब होता है हिमालय के पार की श्रेणी, जब आप देख हिमालय जो है ये सबसे ऊंचा हिमालय है, ग्रेटर हिमालय लिखा है, बड़ा सा ग्रेट हिमालय, अब ये देखिए यहाँ से जो है ये लाइन बीच में थोड़ी थोड़ी टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा है टूटा हुआ, और फिर एक लंबा लंबा लाइन यहाँ से यहाँ तक चले गया है हमारे लास्ट तक, यहाँ चले गया है यहाँ तक अरुणाचल तक, ये देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भीतर आ रही है दिहांग घाट, तो दिहांग घाट के पास से सिंधु गार्ड जो है यहाँ तक जो नदी आई है, ये देखो इंडस है ना, इंडस yes, नदी yes, तो ये सिंधु गार्ड या इंडस गार्ड के पास से जो चली है और यहाँ तक दिहांग घाट के पास आई है, और ये एक वक्र के रूप में है, आर्क के रूप में, तो ये है हमारा ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय इसको कहते हैं, महान हिमालय, ये सबसे ऊंचा है आपकी एवरेस्ट और ये सबसे नीचे है, इसके पार जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय आप समझ गए कि बृहद हिमालय के उत्तर में पर्वत श्रृंखलाओं को ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसमें जास्कर लद्दाख कैलाश और काराकोरम श्रेणी शामिल है, ये लिखेंगे आप, ठीक है। और जब आप पार करके जाएंगे ग्रेटर हिमालय को, आपने नाम आपका कारगिल का नाम सुना है क्या, यस सर, कारगिल का नाम सुना है आप लोगों ने, कारगिल जगह है, और वहाँ पे कारगिल जिस जो जिला है उसमें एक सेक्टर है द्रास, द्रास का भी नाम सुना होगा, वो भी तू भी देखते होंगे, तू सुना है द्रास का नाम, यस सर, नहीं न्यूज़ में भी आता है,
कि ड्रास सेक्टर में आज सेना ने किया वो किया, ठीक है ना। तो ड्रास सेक्टर जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आबाद स्थान है, मतलब जहां इंसान रहते हैं। तो आप मानिए वो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा, क्योंकि जब ग्रेटर हिमालय के पार करने के बाद है ड्रास, ठीक है ना। तो जब ग्रेटर हिमालय पार करने के बाद आप पहुंचेंगे उधर, तो इतनी ठंडी बर्फीले हवा चलती है साइबेरिया से आने वाले, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई ग्रेटर हिमालय तब तक नहीं है 8000 फीट के ऊपर के जो उसको रोक रहा है, और 8000 किलोमीटर के ऊपर के। तो क्या होता है वहां हवाएं आती हैं, तो जिससे मुझे याद है हम लोग 5 मिनट भी उस गाड़ी के बाहर नहीं रह पा रहे थे, इतनी ठंडी लग रही थी। आप सोचिए कि ग्रेटर हिमालय उन हवाओं को वहीं तक रोक देता है, पर चूंकि जास्कर लद्दाख और काराकोरम रेंज की ऊंचाई उतनी नहीं है कि उन हवाओं को रोक सके, तो वहां तक वो हवाएं पहुंचती हैं। तो ये पहला हमारा ट्रांस हिमालय हुआ, इसमें से चार है, कैलाश श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इन चारों श्रेणी को मिला के ये ट्रांस हिमालय बनता है। इन्हीं ट्रांस हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम में केटू है। केटू का नाम सुने है ना, गॉडविन ऑस्टिन भी। यस सर, ये अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे एक बार कि क्या है ट्रांस हिमालय में, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, और जो श्रेणियां हैं हमने बता ही लिया है। दूसरे में आते हैं हम लोग बृहत हिमालय। बृहत हिमालय में क्या है, यह सबसे ऊंचा है, हमने पहले ही बता दिया था, समुद्र तल से जो अगर सी लेवल से इसकी एवरेज हाइट मापेंगे हम लोग, और हाइएस्ट तो आप जान ही है 8848 मीटर, ठीक है, 8850 सब कुछ लोग का किलोमीटर है। और विश्व का सबसे जो है विशाल और रेगुलर, या जिसको कहते हैं ना कि कंटिन्यूअस रेंज है, ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई ये चेंज नहीं है कि बीच में टूटा हुआ, इसको बस कुछ डरों से ही पार किया जा सकता है, जिसको पासेस कहते हैं हम लोग, ठीक है, अदरवाइज पूरा का पूरा है। बेसिकली ये ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है और फोल्डेड है। इसमें विश्व के सबसे ऊंचे शिखरों में से कुछ शिखर मिलते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सब जो बड़े बड़े सबसे ऊंचे ऊंचे हमारे शिखर हैं वो इसी में मिलते हैं। और इसमें हमने कहा कि कुछ ही ऐसे दर्रे हैं जिनके थ्रू आप इसको पार कर सकते हैं। दर्रा क्या होता है कि जो बड़ा ही पर्वत होता है उसके बीच से में उसमें सबसे छोटा मतलब सबसे नीचा का कोई स्थान होता है जिसके थ्रू उस पर्वत को पार किया जा सके। नॉर्मली हम लोगों का दर्रे का कॉन्सेप्ट है कि दो बड़े पर्वतों के बीच में कोई एक घाटी जैसा हो, पर घाटी जैसा एक्चुअली होता नहीं, एक पूरा रेंज में क्या होता है कि सब चूंकि सारे पर्वत ऊंचे होते हैं, उसमें कोई एक ऐसा जगह होता है जो सबसे नीचा हो, उस नीचे जगह पे ऊपर चढ़ के हम लोग पर्वत को पार कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं दर्रा पास, कि उसके होके आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, वो अन्य शिखरों की अपेक्षा वहाँ नीचा होता है। उसमें कुछ है जिसमें दर्रे कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जिसमें बुर्जिल है, जोजिला है, बारालाचा है, सिपकीला है, नीति है, लिपुलेख है, नाथुला है, जेलेपला है। अब देखिए जोजिला कहाँ है, कश्मीर में है, बारालाचा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग है, रोहतांग लेकिन खैर उनमें है, सिपकीला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, नीति और लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में है, नाथुला और जेलेपला कहाँ है, सिक्किम में है। तो ये पूरे हिमालय में क्या हुआ, ये दर्रे हैं जिसको कि ये कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रेटर हिमालय के बाद, ये सबसे ऊंचा है, बर्फ से ढका हुआ है, ये सब आप पढ़ लेंगे किताबों में होगा, ठीक है, इसमें कुछ बताना तो नहीं है ना, बर्फ से ढका हुआ और ऊंचा, क्योंकि ये सब तो 9th-10th की बातें हैं, आप लोग जानते हैं, हम लोग उसी पे फोकस करते हैं जो अभी के हिसाब से आपको करना है। जो ऊंची चोटी है उसका भी नाम आप लोग जानते हैं, दो चार ऊंची चोटी का नाम आप याद कर सकते हैं इसमें लिखने के लिए, ठीक है। इसमें दून और द्वार होते हैं वो भी आप जानते हैं, तो वो सब हम नहीं बता रहे हैं आपको सेंस में। तो अब हम लोग आते हैं लघु हिमालय, या जिसको हम लोग मिडिल हिमालय कह रहे थे, या लेसर हिमालय कह रहे थे। तो ये देखिए इसके बाद जो ग्रेटर हिमालय वाला लाइन है, इसके बाद दूसरा लाइन आप देख रहे हैं, ये ज्यादा टूटा टूटा है ना,
दिख रहा है, और ये भी यहाँ तक गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? कर्सर जहाँ चल रहा है, अब हिमालय ज्यादा चौड़ा है पश्चिम में और यहाँ ज्यादा पतला हो गया है, दिख रहा है आपको सब नजदीक नजदीक? तो इस दूसरे वाले को हम लोग लेसर हिमालय कहते हैं या मिडिल हिमालय कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में अगर कहें तो लघु हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3500 मीटर से 5000 मीटर तक है और चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक है। यह जो है ग्रेटर हिमालय के पैरेलल समानांतर है, और इसमें कौन से जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं उसमें है धौलाधर या रेंजेज जो है पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत रेंज, मसूरी रेंज, ये सारे रेंजेस जो हैं इसमें हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दें, जितने भी हिल स्टेशन हैं हमारे, सारे हिल स्टेशन हमारे मिडिल हिमालय में ही, जिसको लघु हिमालय हिंदी में कह रहे हैं हम लोग, उसी में, या लेसर हिमालय भी कह सकते हैं, उसी में सारे हमारे हिल स्टेशन है, 99% हिल स्टेशन वहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर हिमालय में कोई बसावट का जगह नहीं हो सकता, हमने कहा ना बहुत ये चारों हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, और जो ग्लेशियर हिमालय है इसमें कुछ बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखती हैं, कुछ बना ये ऐसे हैं जहाँ पे आदमी रह सकते हैं। तो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे शिमला है, चकराता है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, गंगटोक है, ये सारे कहाँ है? मिडिल हिमालय में। कुछ इम्पोर्टेंट घाटियां जो हैं जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब भी लघु हिमालय में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे या चौथे पे अपने अंतिम, जिसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं, कभी कभी इसको आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय भी लिखा जाता है, पर शिवालिक सबसे कॉमन नेम है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो शिवालिक हिमालय ये है, सबसे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, और ये बहुत टूटा टूटा है, कभी भी कंटिन्यूस नहीं है, टूटा टूटा, और यहाँ के बाद देखिए ये मिल जा रहा है ग्रेटर हिमालय में, सॉरी लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय में, जैसे यहाँ पे है ही नहीं, है ना? तो yes, ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक 900 से 1500 मीटर की औसत ऊंचाई पर है, और हिमालय पर्वत में ये सबसे युवा है, सबसे यंग माउंटेन है। इसकी मुख्य पहाड़ी जो है वो जम्मू, डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, मीरी, अबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू डाफला कहाँ है? कश्मीर में है, ये मिलती है। इसी में जो है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है जो एक लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलती है उसको दून वैली कहते हैं, जैसे देहरादून है हमारा, ठीक है, और इसी को पूरब में अगर ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलती है पूर्वी हिमालय में, तो उसको द्वार कहते हैं, जैसे अलीपुर द्वार आप नाम सुने होंगे, सिक्किम के पास है। ये पूरा का पूरा है जो है उसमें कटिबंधीय पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उससे आच्छादित है। तो ये हमारा शिवालिक हिमालय है। इस तरीके से ये हमारा रीजनल और लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होता है। और इसके बाद जो आप सबसे देखेंगे कि सबसे कर्सर जहाँ मेरा है, जो डिहांग गॉर्ज के बाद जो इधर है, ये हिमालय को बांध देता है। इधर को हम लोग कहते हैं अराकानियोमा की पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब इन तीनों का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम लोगों ने पढ़ लिया, इन्हीं की से हमारी सारी नदियां बहती है, चीजें निकलती है। अब हमारा इसमें तीसरा आता है ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति कैसे थी, उनकी इनकी उत्पत्ति के लिए आप लोग सब फर्स्ट ईयर में जब हम लोग पढ़े होंगे प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी, बहुत संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, तो यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट था, इसके टकराने से हुई है। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराई है तो बीच में एक छिछला था जो सिंक्लाइन था, जिसको टेथिस सागर का नाम दिया गया। तो टेथिस सागर में जब अवसादों का बहुत ज्यादा सेडिमेंट का डिपोजिशन हो गया और उधर से दोनों प्लेट के टकराने अवसादों का जो मलवा था उसका वलन होकर फोल्डिंग हुई उसकी, और उसके फोल्डिंग के कारण क्या हुआ, वो हिमालय से बनी, क्योंकि दोनों बगल से रिजिड मासेस थे। अगर केवल की थ्योरी आप लोगों को याद हो जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा,
जो क्लोवर की थ्योरी के हिसाब से दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, गोंडवाना लैंड जो दक्षिण इंडियन प्लेट और अंगारा लैंड जो यूरेशियन प्लेट था, और इन दोनों के बीच सेम प्लेटिस सी था, तो दोनों बगल से चूंकि हार्ड रॉक थे, हार्ड मासेस थे, तो ये टकराए और इसके टकराने के कारण जो अवसादे थे उनमें वलन का हुआ, अवसादों में वलन हुआ और इसके कारण क्या कहते हैं हिमालय का निर्माण हुआ। सबसे पहले जो था दो बगल दो पहाड़ियों का निर्माण हुआ, इस तरफ नीचे एक तरफ हिमालय और इस तरफ कुनलुन शान पर्वत, ये देख रहे हैं कुनलुन माउंटेन दिख रहा है ना, तो इधर से कुनलुन शान माउंटेन, इस तरफ से हिमालय, हिमालय में सबसे पहले ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, सबसे ऊंचा हुआ, फिर उसके बाद जो है वो लेसर या मिडिल हिमालय का निर्माण हुआ और सबसे अंतिम में यंग जो है वो शिमालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये हमारा बेसिकली ओरिजिन्स है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ओरिजिन्स को हम लोगों को बहुत संक्षेप में करना है क्योंकि हम लोग रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इंडिया का, तो हम लोग ओरिजिन्स को एक जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के हिसाब से रखते हुए सिंपल वे में आप एक पेज में इसको कर सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल्स वे में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी हिमालय की उत्पत्ति को। इस तरीके से अब चौथे आते हैं इन्फ्लुएंसेस में, तो इन्फ्लुएंस याद दिए कि क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारे रीजनल डिवीजन में सब कवर हो ही गए हैं तरीके से, इन्फ्लुएंस कैसे करता है, तो इन्फ्लुएंस ये हमारे जीवन और जलवायु पे हिमालय का बहुत गाढ़ा प्रभाव होता है, आप जानते ही हैं ग्रीष्म और शीत ऋतु भारत में इसी जो होती है वो हवाएं होती है उसी के कारण होता है, साइबेरिया की ठंडी हवाओं से हमारे लिए रक्षा भी करता है, जैसे चीन अभी नहीं पार कर पा रहा, अगर नॉर्मल सीमा होती हमारी तो बहुत ज्यादा युद्ध हो जाता अभी। उसके बाद सारी नदियां हमारी यहीं से निकलती है, तो भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उसके लिए पेयजल सिंचाई और पानी का ये सोर्स है, और उसी तरीके से इसमें बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं, हमारे हिल स्टेशंस हैं, तो ये सारे भी हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं इसके, कि ये हमारे पास जलवायु को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे इंडस्ट्री या हमारे रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे लिए रक्षा के लिए एक रक्षा करता है, हमारी सामरिक रक्षा करता है, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंसेस में आपको एक पैराग्राफ से पूछ करना है। इस तरीके से ये चारों करते हुए हम लोग भारत के पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन, पहले रिलीज फीचर हिमालय को खत्म करते हैं, ठीक है। अब अब हम लोग अगले क्लास में ये पढ़ेंगे कि हमारा जो ग्रेटर प्लेन है हम लोग कहेंगे।